नेक्स्ट हमारे पास में 24th क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, मतलब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी ई इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है. फर्स्ट वाला हमारे पास में क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें हमको फाइंड करना व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट. तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है. ओके, हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखें और टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखें, दोनों इक्वल होती है, बस साइन अपोजिट होता है. काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव है. तो हम लिखेंगे -3.4. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में होगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आया. बी यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है. बी क्या गिवन है जरा देख लेते हैं. क्वेश्चन बी में गिवन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो टू टाइम्स ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, डबल होता है उसका. तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा 2 × −3.4, मतलब कि -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी. इसका सी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पर सी पार्ट में क्या गिवन है, विच ऑफ दिस आंसर अबव वुड चेंज इफ द च्वाइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी चेंज्ड. ओके, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है तो हमको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज. काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज. ओके, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा. तो कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होगा, ए वाला पैरामीटर नहीं, कौन सा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, ए चेंज नहीं होगा, बी यहाँ पर चेंज हो जाएगा. थैंक यू.